कावड़ यात्रा के मार्ग पर नाम प्लेट लगाने का मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ता जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि इस मामले को विपक्ष लेकर तमाम लोगों के द्वारा घेरा जा रहा था। अब जो योगी आदित्यनाथ सरकार में या बीजेपी की सरकार के साथ खड़े सहयोगी दल है वो भी बीजेपी के इस फैसले पर सवाल खड़े करना शुरू कर चुके हैं। केवल मात्र वही नहीं बल्कि अब तो बीजेपी के अंदर जो विधायक मंत्री एमएलए वो भी इस मामले के अंदर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद सहित तमाम ने इस बयान का, इस फैसले का काफी ज्यादा विरोध किया था, लेकिन अब सरकार के अंदर मंत्री जयंत चौधरी ने भी इस पर सवाल उठाए। साथ ही आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस मामले के अंदर सवाल खड़े किए, अभिनेता सोनू सूद ने भी इस मामले में सवाल किए। उनकी तरफ से कह रहा है कि देश को हम कौन सी जगह पर लेकर जा रहे हैं, यह देश जहां पर गंगा जमुना तहजीब की बातें कही जाती थी आज आपको बता दें कि नाम पर आकर वो सियासत खड़ी हो चुकी है। कुल मिलाकर बात साफ है कि बीजेपी इस वक्त बुरी तरीके से चौतरफा घिरी हुई तो नजर आई रही है। अयोध्या के अंदर, बद्रीनाथ के अंदर और इस तरीके के तीर्थ स्थलों पर चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी के द्वारा लिया गया यह फैसला काफी ज्यादा एक तरीके से चौंकाने वाला नजर आ रहा है। इससे पहले मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर बंद करने, इन तमाम चीजों के मामले सामने आते ही रहते थे, लेकिन अब आपको बता दें कि यह जो आया है कि फल विक्रेताओं को, होटल मालिकों को या जो भी है उनको अपना नाम लिखना होगा, अपने स्टाफ को नाम रखना होगा, मुस्लिम स्टाफ को नहीं रखना होगा, इस तरीके की तमाम चीजों के बारे में जानकारी देनी होगी प्रशासन को। इस नेम प्लेट लगाने वाले सामने मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ना केवल आपको बता दें कि केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि चौतरफा पूरे देश में घिरी हुई नजर आ रही है। यह कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लिए इंडिया गठबंधन के खास तौर से बैठे बैठे ही मुद्दा हाथ है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। केवल बैठे बैठे ही बीजेपी विपक्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश में यहाँ पर एक तरीके से नजर आ रही है। एक तरफ पहले बीजेपी कोई भी फैसला लेती थी तो उसके पास मजबूत है वो ताकत होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई उत्तर प्रदेश में, उनके बाद जितने भी फैसले बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिए उनको वापस है वो लेना पड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, जो भी सरकार के दाएँ बाएँ स्तंभ पिल्लर है वो भी अब आपको बता दें कि सहयोग है वो करते नजर